तो आ गए। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सो आप काफी ज्यादा मस्त होंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 100 डेज चैलेंज, वो भी इस आइसलैंड पे। ये आइसलैंड पूरे पानी में सिर्फ एक ये इकलौता आइसलैंड है, और हम इसको काफी ज्यादा एक्सटेंड भी करेंगे और काफी सारे ऐसे चैलेंजेस करेंगे जिस जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। क्या आपको लगता है ये कर पाऊंगा मैं? देखो, सबसे पहले हम मारने वाले हैं इस प्राणी को, जो कि तीन सर वाला पता नहीं कहाँ से ही आ जाता है, लेकिन इसको मारने के बाद हमें एक स्टार मिलता है, जिसे हम एक बड़ी सी टॉर्च बना सकते हैं जो कि आसमान तक जाती है। और दूसरा एंडर ड्रैगन, उसको तो मारना ही मारना है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद हम इलाइट्रा भी ले सकते हैं उसको मारने के बाद। तो लेट्स डू इट गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें ना काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, और ये आइसलैंड पानी के ऊपर है, तो इसका मतलब पानी के नीचे काफ़ी सारे ऐसे ज़ॉम्बीज़ होंगे जिनके पास वो त्रिशूल टाइप का होता है, जिससे हम उड़ भी सकते हैं। तो देखो, उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपन को काफ़ी सारे खाने के लिए फूड चाहिए थे, तो अपन ने स्टार्ट कर दिया भाई यहाँ पर झाड़ियाँ काटना। और थोड़ी देर में अपनी झाड़ियाँ काटता हूँ, उसके बाद मेरे पास 6 हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास येलो कलर के फ्लावर मिल जाते हैं जो कि येलो डाई के काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लैंक्स को भी काटता हूँ ताकि मैं यहाँ पे औजारे बना पाऊँ। एक काटा मैंने, और भाई ये रहे, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस पेड़ को हमने बिल्कुल पूरा ख़त्म कर दिया। यहाँ से मैं बना लेता हूँ कुछ प्लैंक्स, और प्लैंक्स बनाने के बाद हम बनाएंगे स्टिक, जिससे हम अपने वेपन को क्राफ्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से, सबसे पहले हमें क्राफ्टिंग टेबल, भाई मैं तो भूल ही गया था कि क्राफ्टिंग टेबल भी बनानी है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर अपने उसको डालता हूँ, प्लैंक्स को, और फटाफट से कुछ स्टिक्स बना लेता हूँ। स्टिक्स बनाने के बाद एक्स, फिर पिक एक्स, फिर इसके बाद एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को ज़ॉम्बीज़ को मारना, और एक सॉल भी, क्योंकि हमें काफ़ी सारी डर्ट को इकट्ठा करके उसको एक्सटेंड भी करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखो, ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि ये प्ले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं डर्ट है, जो फालतू की डर्ट थी ऊपर वाली, इन सबको इकट्ठा कर रहा होता हूँ, और तभी मेरे को काफ़ी सारी सीड मिल जाती है, और यहाँ पे मेरे को काफ़ी तेज़ से भूख भी लग जाती है, बिकॉज मेरी HP भी कम हो रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, और मेरे पास सोने के लिए कुछ था भी नहीं। तो जैसे ही मैं एक्सटेंड करने लग जाऊँगा, मेरे को ऐसा लगता है ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बीट्स को यहाँ पे रख दिया, और काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही थी, और मेरे को ऐसा लगता है जो हमने बीट लगाए थे ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास खाने की चीज़ें भी नहीं है, तो अपन को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस आइसलैंड के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं चलता हूँ ज़मीन के नीचे, जहाँ पर मेरे को मिलते हैं कोल, जिससे मैं काफ़ी सारी टॉर्चेस को क्राफ्ट करने वाला हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे आ चुका हूँ, और मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, मेरे को लगता है मेरे को डर्ट लगा के ही ऊपर जाना होगा। और यहाँ पे मैं कोल को इकट्ठा करता हूँ, और कोल को इकट्ठा करने के बाद गाइस अपन बना लेते हैं टॉर्च, क्योंकि इस केव के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और इस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए दोबारा से ऊपर आ जाता हूँ। और अब तक हमारी भीड़ उगी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और टाइम देते हैं, इसके बाद लगता है कि उग जाएगी। और मैं पानी के अंदर कुछ मछलियाँ वगैरह मारने के लिए आता हूँ, लेकिन ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, मेरे को नहीं पता मेरे को खाने के लिए कहाँ से फूड मिलेगा। बट यहाँ पे जैसे मैं जा रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे ये मछलियाँ तो बहुत तेज़ी से भाग रही होती हैं, बट यहाँ पे पानी के काफ़ी ज़्यादा डीप आ जाता हूँ। और ये साइड में देखो भाई, ये ज़ॉम्बी, इसके पास तलवार नहीं है, लेकिन इन्हीं ज़ॉम्बीज़ के पास वो तलवार होती है, जिससे मैं उड़ सकता हूँ और फेंक फेंक के मार भी सकता हूँ। तो अपन क्या करता है, ऊपर आ जाता है इस, और मेरी HP देखो कितनी ज़्यादा कम कर दी इन्होंने, और ये देखो सिर्फ 1 HP बची है। भाई मेरे को अब पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे साइड में भी नहीं खड़ा होना चाहिए। इतने में ही हमारी जो वीड है वो उग जाती है, और फटाफट से इससे है ना ब्रेड बनाएंगे, और ब्रेड बनाने के बाद फटाफट से इसको ईट करते हैं। और मैंने इन सबको तोड़ फोड़ के भाई जैसा भी था मैंने इसको क्राफ्ट कर लिया। अब क्या लगता है मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा? मेरी 1 HP देखने के बाद तो आपको ऐसा लग रहा हो ये तो गया बेटा, लेकिन नहीं, अपन हार नहीं मारने वाला, और बिल्कुल आराम तरीके से सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे बस टोटल के टोटल 3 ब्रेड हो जाते हैं, और इन 3 ब्रेड से मेरी HP तो लगता है कि फुल हो ही जाएगी। देखो मेरे को उस ज़ॉम्बी से बदला भी लेना है, तो जाएंगे अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं दोबारा से कुछ बीट थे, तो इनको फटाफट से मैं यहाँ पे सीड्स को उगा लेता हूँ, और जैसे ये सीड दोबारा से ग्रो होंगे तो हम थोड़े से और ब्रेड को क्राफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद दोबारा ज़मीन के नीचे आता हूँ, और मेरे को मिल जाता है यहाँ पे आयरन। देखो यहाँ पे है ना काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करना पड़ता है, और गाइस ये गेम प्ले को भी रिकॉर्ड करने में मेरे ख्याल से 1 वीक से ऊपर मेरे को लग गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आयरन को क्राफ्ट कर रहा हूँ, मतलब आयरन को यहाँ पे तोड़ के मैं दोबारा से आ जाता हूँ और अपने फर्नांस में डालता हूँ। कुछ आयरन को मैंने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास पहले भी मिल चुके थे, बट मैं
रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था, ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ और गाइस यहाँ पे है ना, मैं फटाफट से है ना अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने में लग जाता हूँ। और फाइनली देखो हमारा आइसलैंड कुछ दिखने में इस तरीके का लग रहा है, मतलब बिल्कुल मैंने सर्कल बनाने का टाइप कोशिश किया था बट ये ढमढल बना, मतलब पूरा गोल नहीं है, अंडे जैसी शेप है इसकी, मतलब अंडा तो गोल नहीं होता, हाँ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मैं सीढ़ियाँ बना के फटाफट से मैं रात में ऊपर आ गया, बिकॉज गाइस काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज है ना स्पॉन होना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज मैंने टॉर्चेस नहीं लगाए थे। आप साइड में देख रहे हो काफ़ी सारे जो वो थे ना स्केलेटन, उसने मेरे को तीर से ही मारा था, और एक स्केलेटन उस पेड़ के छाव के नीचे बैठा हुआ और एक क्रीपर ये रहा। देखो इनको मेरे को मारना पड़ेगा वरना ये कभी भी फट सकते हैं। और मेरा यहाँ पे ये भी था चेस्ट भी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि ये चेस्ट फटते ही भाई यहाँ पे जो इससे मैं नीचे गया हूँ ना भाई, फट गया वो भाई बच गया। और यहाँ पर मैंने ना एक वो बना लिया, मेरे पास दो ही भेड़ यहाँ पर स्पॉन हुई थी, उसके बाद स्पॉन होना पता नहीं क्यों बंद कर दिया इन्होंने, तो मैंने इससे फटाफट से एक बेड बनाया और यहाँ पर मैंने अपना बेड पे के साइड में टॉर्चेस लगा ले ताकि मैं यहाँ पे सो पाऊँ। और यहाँ पे है ना मैं एक शेयर से इन दोनों भेड़ों का है ना ऊन को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि मेरे को इनको मारने की जरूरत ना पड़े। अब फटाफट से जितने भी टॉर्चेस है ना मैंने सारे के सारे आसपास प्लेस कर दिए ताकि ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी स्पॉन ना हो। और यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बना लिया था जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे खाने के लिए फूड को है ना ग्रो करने वाला हूँ। अब मेरे को नहीं पता वो कैसे मैं लाऊंगा, बट गाइस यहाँ पे मेरे को पास जो सीड्स थे उन्हीं को इकट्ठा करके यहाँ पे मैं फटाफट से डालूंगा। मेरे को पास अगर बोन भी लो था ना तो काम इजी हो जाता, बट गाइस यहाँ पे बोन भी नहीं था तो काम मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे मैं सारे किट सारे मैंने यहाँ पे टॉर्चेस लगा लिए ताकि ज़ॉम्बीज या मॉब्स यहाँ पे स्पॉन ना हो। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई देखो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो यहाँ पे मैं फटाफट से इनकी हार्वेस्ट करने लगता हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ फूड वगैरह को ग्रो करना है, जिसकी पटैटोस कैरेट और काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आयरन के पिकैक्स से यहाँ पे डायमंड ढूंढने के लिए के आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को डायमंड का यार वो भी तो बनाना आर्मर, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं, आयरन कह रहा हूँ डायमंड का आर्मर। और आयरन बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक आर्मर तो एक डायमंड तो मिल गया, ये दूसरा मिल गया, और काफ़ी टाइम बाद गाइस यहाँ पे और भी ज़्यादा डायमंड मेरे को मिल जाते हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बट गाइस मैंने सोचा यहाँ पे मैं मर ना जाऊँ तो फटाफट से निकलता हूँ, मैं रास्ता भी भूल गया था, बट यहाँ पे मैंने टॉर्चेस वगैरह लगा दिए थे। और आप मेरे है ना वो देख सकते हो मैं कितना डीप आया हूँ, -6 के आसपास आया था, तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल गया, मतलब 5 पे ही था फिर 6। और ये ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना मेरे पीछे क्या कर रही है, तो मेरे को फटाफट से भागना पड़ेगा गाइस। ओहो भाई ये लोग मेरे को मार देंगे। और यहाँ पे ये काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होना पता नहीं कैसे स्टार्ट कर दिए इन्होंने, जबकि मैंने यहाँ टॉर्चेस लगा रखे थे। तो अपन यहाँ से भागेगा भाई, बहुत तेज़ भागने वाला है, बिकॉज ये लोग मेरे को मार, भाई यहाँ पे इनकी जनसंख्या है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो सर्वाइव करने के लिए मैंने यहाँ पे और भी ज़्यादा टॉर्चेस लगाए, अपने स्वॉर्ड को निकाला और इनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये भीड़ वगैरह को ना मार दे इस वजह से, इन सबको मैंने मार दिया। और यहाँ पे ये भाई फंसा हुआ था तो इसको भी मैंने मुक्ति दे दी। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सीड्स लगा दिए थे, तो मेरे को पास है ना काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बी से भी मैंने मारे ना उनसे मेरे को है ना पटैटोस या कैरेट मिले थे, तो उनको भी अभी लगाऊंगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, मैंने किस चेस्ट में रख दिए। और ये भाई इससे पहले ऊन ले लेता हूँ, क्योंकि ऊन से है ना हम काफ़ी सारे डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं अपने हाउस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो पटैटोस थे ना ये मेरे को मिले थे, अब मेरे को है ना एक एक्सपी फार्म बनाना है, बिकॉज उससे है ना मैं काफ़ी सारे मॉब्स स्पॉन होंगे, जिससे स्केलेटन के बोन से हम है ना बोन मील बनाएंगे, जिससे जो हमारी सीट्स है काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो होगी, एक बार आने लग गए ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। तो फटाफट से एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर से कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब चारों साइड से एकदम इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बना दिया, दो साइडें बन गई, तीन साइडें, और फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बन गई कंप्लीट, और मॉब्स स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके थे। तो ये हमारा लास्ट था, बिल्कुल हमने एक्सपी फार्म को क्राफ्ट कर लिया। और भाई देखो कितना ज़्यादा बड़ा बनाया मैंने। और है ना यहाँ पे है ना मैंने कुछ नया भी सोचा, वो आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉब्स थे इनको मैं मारता हूँ, यहाँ पे स्केलेटन भी मिल जाते हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिल जाती है। अब हमें है ना एक्सपी इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। और यहाँ पे मेरे को बोन भी मिल जाता है, और यहाँ पे भाई एचेंट मेरे को बो मिल जाते हैं, और हमें क्या ही चाहिए भाई। और यहाँ पे बोन बिल से मैं काफ़ी सारे यहाँ पे जो पटैटोस थे इनको ग्रो करके फटाफट से इनको भाई मैं करने वाला हूँ एक्सटेंड, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको ग्रो करेंगे। और यहाँ पे तोड़ता हूँ भाई, एक में से मेरे को तीन मिले और इसके अंदर से तीन, और भाई मेरे पास काफ़ी सारे पटैटोस भी हो गए, अब ठीक ठाक ग्रो कर सकते हैं। और हमारे पास 40 अभी भी बोन मिल बचे हुए थे, जो कैरेट थे मेरे को है ना ये ज़ॉम्बीज़ ही लाके दे दिए, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल होगा, बट ये इजी भी नहीं है, क्योंकि अभी हम उस तीन सर वाले राक्षस को भी मारेंगे, और हम अभी एंडर मैन कह रहा हूँ, एंडर ड्रैगन को भी मारना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बोन मिल लगा के इन सबको ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, और फाइनली ये यहाँ पे ग्रो होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे बोन मिल यूज़ करता हूँ, 40 में है ना इन सारे पोटैटोज़ के ऊपर लगा देता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा
मुश्किल होने वाला है। और इन सारे पे लगाने के बाद गाइस मैं एक छोटा सा अपने लिए घर बना लेता हूँ। मेरे को ये घर मेरे को पता नहीं कैसा लगेगा, बट गाइस कमेंट कर जरूर बताना, मेरे को ये घर है ना उतना ज़्यादा मस्त नहीं लगा। मेरे को लगा चलो इसके लिए इसको है ना हम विलेजर का बना देंगे, मतलब विलेजर हाउस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होगा। हम अपने लिए ना दूसरा घर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक और जगह आता हूँ, यहाँ पर मैं अपने बकेट के अंदर है ना ले आता हूँ काफ़ी सारे लावा अपने ज़मीन के नीचे से, और यहाँ पर लावा को फेंक के हम ना काफ़ी जल्दी से है ना अपने लिए एक बेस को रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस रेडी हो ही रहा था, और भाई यहाँ पर मैं काफ़ी सारे यहाँ पे लावा को डाल के उसको वापस बकेट में भर लेता हूँ, जिससे हमें वाटर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती और हम काफ़ी बड़े इलाके में सर्वाइव भी कर पाते हैं। और यहाँ से मैं भाग के जा ही रहा होता हूँ, उतने गाइस मैं पानी में गिर जाता हूँ, और जहाँ पे मेरे को भाई वो मिल जाता है जिसको मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंतजार था, जो कि था ये भाई त्रिशूल वाला एक ज़ॉम्बी। और भाई इसको मैंने अभी छोड़ा है, अभी मारा नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे थे, मैं मरने वाला ही था। मैं ऊपर आ जाता हूँ इतने में ही, और फटाफट से यहाँ पे स्टिक क्राफ्ट करके मैं यहाँ पे डायमंड की एक पिकैक्स और एक एक्स और एक सोड को क्राफ्ट कर लेता हूँ, बिकॉज गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक ये 90 लाख के जूते और यहाँ पे चेस्ट, भाई जूते नहीं बनाए मैंने, यहाँ पे आर्मर बना लिया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चेस्ट प्लेट मान यानी कि। और यहाँ पे मैंने बना लेता हूँ अपने लिए एक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए शील्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, अब मेरे को नेदर में जाके ना रेड वाले जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स मिलेंगे रेड कलर के कैसे भी हो, उसको मैं बना करने के लिए मतलब अपने हाउस को क्राफ्ट करने के लिए लेके आऊँगा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मस्त भी लगते हैं। और मैं पानी में गिर जाता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे मैं दोबारा से इनको तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और लेट्स गो गाइस, मैंने फाइनली काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने वो इसको इकट्ठा कर लेता हूँ। और ये रहा हमारा सामने ये क्या नेदर पोर्टल, और यहाँ पे मैं भाई ये जो भी ये आग से जला के इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता ये किस तरीके से होता है, बट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं ना यहाँ पे ज़ोंबीज को क्राफ्ट करने के बाद, और मैं जैसे ही यहाँ पे नेदर में आता हूँ ये लोग मेरे को मारने लग जाते हैं। मेरे को नहीं पता मैंने क्या ही कर दिया, बट गाइस ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे भागता हूँ। अब गाइस इनको मेरे को निपटाना पड़ेगा, और इनको में से भाई एक गया, और भाई ये वो मार रहे हैं, मैं अपने शील्ड से इनसे बच तो जाता हूँ, बट गाइस ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। भाई ये देखो कितनी तेजी से भागा भागा आ रहा है, भाई इन्होंने तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। मैं यहाँ पे पीछे छुप जाता हूँ, और भाई देखो अब मैं ऐसा हूँ तो भाई ये बिल्कुल चला ही नहीं रहा। भाई मैं कह रहा हूँ चला ले मार दूँगा तेरे को, वरना कैसे नहीं होता। और यहाँ पे भाई शील्ड से मैं इस जानवर से भी बच जाता हूँ, जो कि दो सींग लेके मेरे को मार ही देता। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे रहते हैं, और यहाँ पे इससे पहले मैं मरूँ भाई मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा और आगे स्टैंड करता हूँ, और मेरे को गाइस फाइनली मिल जाते हैं मेरे को ब्लेजियर, जिनको मेरे को मारने के बाद ब्लेज रोड मिलेगा, जिससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, फिलहाल के लिए मेरे को काफ़ी सारी गोल्ड भी यहीं से मिल जाते हैं और इन लोगों से। और भाई मेरी एचपी देखो कितनी ज़्यादा कम कर दी, मतलब ये ब्लैक हो गई थी, कम नहीं हुई, मतलब ये जो वो है ना ब्लैक वाले स्केलेटन उससे हो जाता है सारा। लेट्स गो गाइस, फटाफट से इन सारों को मैं मारूंगा। देखो यहाँ पे मारना इनसे मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास शील्ड थी, इसी वजह से इजी हुआ, वरना गाइस मैं तो यहाँ पे जीत ही नहीं पाता। और यहाँ पे गाइस मैं अपने लिए एक मस्त कासल बनाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और उसके लिए तो एक लाइफ पक्का ठोकना, मैं उसको आपको थोड़ा इंतजार के बाद दिखाऊंगा। ये जो चेस्ट प्लेट वगैरह है ना भाई, यहाँ पे ये जो ज़ोंबीज है ना, पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं, और मतलब एक्सपी फार्म में स्पॉन हो रहे हैं, और वो लेके आ जा रहे हैं ऑटोमेटिक, फिर मैं उनको रिपेयर तो कर नहीं सकता उसको। बस गाइस मैं उसको पहन लेता हूँ काफ़ी सारे। और गाइस ये देखो सामने आपको कुछ दिखा, और गाइस फाइनली हमने बना लिया अपने लिए एक कासल, जो कि एक राजा महाराजा जैसी है। और भाई क्या लग रहा है, मतलब देख रहे हो बिल्कुल नेक्स्ट। अरे बकरे साइड हटना, मैं इसको भाई मार भी नहीं सकता इस पोजीशन में, एक सेकेंड। अरे मर जा, हाँ चल साइड हो जा, चल साइड हो जा, तो सही आइयो मत। और गाइस फाइनल मैं इसको है ना अंदर से चल के दिखाता हूँ। अंदर से मैंने अभी कुछ खास किया नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरे को पूरे के पूरे 1.5 दिन लगे। मैंने काफ़ी सारे डिजाइन तैयार किए, उसके बाद मैंने इसको क्राफ्ट करनी है। यहाँ साइड में एक दरवाज़ा मेरे को लगाना है, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे यहाँ पे चेस्ट है, दो चार ही है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जो कि बिल्कुल अभी के लिए खाली है। यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे मिरर और मतलब कांच वगैरह लगा रहे हैं, शीशे वगैरह, ताकि लुक अच्छा हो। और यहाँ नेदर्स में ये वाइट वाले लेके आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से मेरे को ये मिले, और इनको मैंने फटाफट से इनको डेकोरेशन के लिए यूज कर लिया। बट गाइस अब आ चुके हम बिल्कुल अपने फोर्थ फ्लोर पे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे ये ब्लॉक अच्छा नहीं लग रहा था, इसको तोड़ देता हूँ। और भाई फाइनली हमारा कासल हो चुका था एक्सटेंड। अब हमें चाहिए थे अपने लिए काफ़ी सारे क्या कहते हैं एनिमल्स, जो कि हमारे लिए फीड लेके आए। तो यहाँ पे मेरे पास बकरे होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी एक दो काउ भी स्पॉन हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी थी, मतलब मैं इनको काफ़ी टाइम से बचाते आ रहा था ज़ोंबी से, क्योंकि विलेजर तो है नहीं जो कि गोलम इनकी सुरक्षा करेंगे, बट यहाँ पे सुरक्षा के लिए हम थे। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी सीड भी मिल जाती है, आपको पता होगा हमने कितना बड़ा फार्म भी बनाया था।
तो उस फार्म के अंदर से मेरे को ये वीड तो मिल जाती है, जिससे काफ़ी सारे छोटे छोटे ये आएंगे, मैं इनको खिलाऊंगा, फिर ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होंगे। इसी तरीके मैं काऊ को भी खरीदता हूँ और काऊ की भी जनसंख्या बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल्क भी मिलने वाली है। अब गाइस मैं आ चुका था अपने कासल के अंदर, नहीं गाइस मैं आ चुका था एंडरमैन को मारने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ टॉर्चेस वगैरह लगाता हूँ और मेरे को मिल जाती है लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के अंदर से सारी बुक्स को कलेक्ट करते हैं। और गाइस फाइनली यहाँ पे मैं काफ़ी सारे चीज़ लाइब्रेरी की बुक्स को क्राफ्ट करता हूँ और अंदर से मेरे को ये वाइट कलर की एक बुक मिलती है और यहाँ पे पेपर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और गाइस मैंने फाइनली नेदर को कर लिया है एक्टिवेट, मतलब एंडर सिटी को, एंडर सिटी जो भी हो गाइस, इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं ये जितने भी धनुष थे इनसे मैं सारे को फोड़ देता हूँ, लेकिन भाई मैं गलती से इनकी आंखों में देख लेता हूँ और ये मेरे को मारने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोने में आके छुप जाता हूँ, बिल्कुल दुबक जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ही ये एंडरमैन मेरे को मारने के लिए आता है अपने स्वॉर्ड से इनकी खात्मा। और भाई ड्रैगन भी मेरे ऊपर आग फेंक रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे को लड़ना, लेकिन गाइस अपन बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, इसको तो टपका के ही रहेगा आज। और भाई फाइनली मैं उससे लड़ ही रहा होता हूँ, लेकिन ये एंडरमैन मेरे को उससे फाइट करने दे ही नहीं रहे भाई, पता नहीं क्या ही चीज़ हो गया, मतलब मैंने क्या ही कर दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सपी एंडर ड्रैगन की कम करी, बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से कम हो रही थी, तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी तेज़ी से इसको मारना पड़ेगा। और ये मेरे ऊपर ही, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा, एक सेकेंड गाइस, हाँ लग रही है, बट कैसे है ना ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो मेरे को बच के रहना पड़ेगा। और ये जो आग फेंकता है ना पर्पल कलर की, भाई नेक्स्ट लेवल होती है, मतलब एचपी तो इस तरीके से खाती है। लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी सारे एप्पल भी लेके आया था और ये एंडरमैन भाई ये सुधरने के नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनको मारता हूँ भाई, ये लोग मेरा है ना बिल्कुल मजाक बना दिया इन्होंने। अब देखो यहाँ पे जो ये ड्रैगन है ना दूर दूर से भाई जा रहा है, उड़ते वो गोला सा फेंक के मार रहा है और अपन बार बार मरने से बच रहा है, लेकिन इस बार है ना इसको मार दूंगा। 60 एचपी मैंने फाइनली काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया अपने बो से। और ये बो भाई मेरे को है ना, मेरे को जरूरत करनी नहीं पड़ी एनचेंट, मतलब वो जो स्केलेटन होता है ना वो लेके आया, उसके मतलब 3-4 एनचेंट वाले हैं और मैंने उसको मिक्स किया और फाइनली जाके हमारा ऐसा बन गया। मतलब ये कह सकते हो कि एक तरीके से कम लेवल का है, बट गाइस इस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये वो। और फाइनली गाइस ये एंडरमैन को मेरे को मारना पड़ेगा और मैं आ चुका था एंडर सिटी में, जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मेरे को मिल जाएगा जिसका मेरे को इंतजार था, जिसको कहते हैं इलाइट्रा। और देखो इलाइट्रा पाने के लिए ना मेरे को इस कल वाले बॉक्स के अंदर जो भी होते हैं इनको मारना पड़ेगा। और भाई ये उड़ने वाला कुछ तो फेंक के मारते हैं जिससे हम हवाओं में उड़ते हैं और एक टाइम के बाद हमारी एचपी कम होती है और फिर हम मर जाते हैं। तो देखो इसका वो हिट मेरे को लग गया, बट गाइस यहाँ पे मैं इसके अंदर ही था और ये भाई देखो कितना ऊपर आ गया और यहाँ से मैं नीचे नहीं गिरा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार रहे हैं। तो यहाँ ऊपर है ना काफ़ी एक अच्छा सा बेस है जहाँ पे मैंने चेस्ट देखे, ये देखो ये रे वो दो चेस्ट। अब यहाँ पे मैं आराम से थोड़ी देर खड़ा रहूँगा इससे पहले वो मारना कम करे। तो देखो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं कोने में दुबक चुका था और दुबकने के बाद अब मैं छुप छुप के इनके ऊपर चलाएगा वो, जिससे ये मेरे को मार नहीं पाएंगे। एक गया, यहाँ पे काफ़ी सारे थे, ये दूसरा गया, तीसरा गया और ये तीसरा, हाँ तीन थे यहाँ पे, मतलब 4-5 भी थे लेकिन उनको मैंने काफ़ी मुश्किलें से मारा था, मैंने दिखाया नहीं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फ्रूट वगैरह भी इकट्ठे कर लेते थे, क्योंकि मुझे यहीं से मिलते हैं एक डायमंड की सवल भी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होती है। यहाँ से जितने भी ये लाइटें वाइट है ना सबको उठा के मैं आ जाता हूँ अपने सिटी पर। अब वो तीन सर वाले ड्रैगन को बुलाना है, ड्रैगन ही एक मानव क्या कहते हैं ये हड्डी वाला जो भी हो, इसको मारने के लिए गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और गाइस इसने है ना मेरे पूरी सिटी को आधा तबाह कर दिया, मतलब जितने भी मेरे पास वो थे ना काऊ सबको ये मार देता है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट गाइस यहाँ पे फाइनली अभी मैंने इसकी बिल्कुल भी एचपी कम नहीं करी और एक सेकंड भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को हिट दे रहा है और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की एचपी कर दे रहा है जिससे मैं बच नहीं पा रहा। मैंने पोशन ऑफ वो खाया था भाई, ये आ चुका जमीन के नीचे जिसने इसने मेरे काफ़ी सारे काउस को मारा, तो इसको बदला लेना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट से मार मार के इसकी धज्जिया उड़ा देगा भाई, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को एचपी डाउन कर दिया, बट मैंने पोशन वाला खाया था तो अपन बच गया। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैं मर चुका था लेकिन आज मेरे को भाग के जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे विलेजर्स ले आए थे और देख सकते भाई इन्होंने बिल्कुल मेरा जो वो था ना तबाह कर दिया, मतलब वो आया यहाँ पे पता नहीं क्या ब्लास्ट मारा और ज़मीन के नीचे इतनी नीचे तक इसने गड्ढा कर दिया भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब इतने ऊपर से अगर मैं नीचे गिरूँगा ना मैं दो बार मर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा एचपी कम कर देता है। तो यहाँ पे गाइस आने के बाद मेरे को फाइनली मेरे को वो स्टार्ट ढूंढना था जो कि मेरे को अब तक नहीं मिला। गाइस यहाँ पे देख सकते मेरे पास तीन मीट हो गए जो कि मेरे काउस के थे, गाइस काफ़ी बुरा हुआ हमारे काउस के साथ। तो फटाफट से यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद मेरे को वो चीज़ मिल चुकी थी उसकी रेसिपी। अब ये रहा हमारा कासल और मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाया ना, मैं अभी दिखाता हूँ।
और मैंने इसको फटाफट से क्राफ्ट कर लिया, मेरे को कुछ शीशे वगैरह लगा के फिर मैंने इसको आराम से क्राफ्ट कर लिया। अब देखो फटाफट से मेरे को सुबह होने का इंतजार करना है, और जैसे ही सुबह होगी गाइस हम बना के क्राफ्ट कर लेंगे अपने उस लंबे बड़े टॉर्च को। उसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता किस तरीके से वो बनता है। तो यहाँ पे ये देखो, अरे क्या कर रहा है, चल निकल इधर से भाई, मेरे को यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। और भाई जैसे यहाँ पे मैंने विलेजेस लाए, यहाँ पे आयरन गोलम अपने ऑटोमेटिक ही स्पॉन होना स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, बस पता नहीं कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। बट कैसे यहाँ पे इसको तोड़ के आना, इसके नीचे वाला आयरन ब्लॉक को भी मेरे को तोड़ना पड़ेगा। आई होप सो इसके बाद चलना चाहिए, वरना नहीं हुआ तो अपन का पोपट हो जाएगा। और फाइनली इस टॉर्च को बिल्कुल सेंटर में मेरे को प्लेस करना है, और लेट्स गो गाइस फाइनल प्लेस के। और ये व्हाइट कलर की टॉर्च एक्टिवेट हो चुकी है। अब देखो मैंने काफ़ी टाइम से आपको एक चीज़ ये नहीं दिखाई, मतलब ये जो मेरे पास त्रिशूल था ना, ये मैंने बना लिया और इसको एनचैट भी कर लिया। अब देखो मैं उड़ के आपको दिखाता हूं, देखो मेरे को ये लाइटर तो नहीं मिला, बट मैं इससे उड़ सकता हूं। और देखो हमारा कासल क्या लग रहा है, सामने विलेजर टाउन है। और इसके बाद एक सेकंड गाइस, ये पानी मेरे को है ना वापस इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब ये पानी के बिना चलता नहीं, ये बुरा है। बट गाइस ये गोलम वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और गाइस फाइनली आज हमने जो 100 चैलेंज है ना वो कंप्लीट कर लिया, और मैं आपको उड़ के दिखाता हूं एक सेकंड गाइस। ये करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट गाइस जब नीचे गिरता हूं ना बिल्कुल मुँह तोड़ देता है ये। और ये रहा गाइस हमारा पूरा टाउन जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त था। तो गाइस अगर आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नारा।